कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है। आज रविवार को सुबह विमान वैक्सीन लेकर तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस मौके पर रूस के राजदूत एन कुदाशेव ने कहा कि स्पुतनिक वी की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। रूस में साल 2020 में लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। रूस के स्पेशलिस्ट का कहना है कि स्पुतनिक वी कोरोना के स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वी भारतीय रूसी वैक्सीन है। हमें उम्मीद है कि भारत में इसका प्रोडक्शन 85 करोड़ वैक्सीन प्रति साल हो जाएगा। हमारा प्लान है कि जल्द सिंगल डोज वैक्सीन भी लगाई जाए। रूसी राजदूत ने कहा कि हमें खुशी है कि रूस और भारत साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में रूस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रूस के राजदूत कुदाशेव ने कहा कि स्पुतनिक वी भारत में सफलतापूर्वक लोगों को लगाई जा रही है। कोरोना से लड़ाई में ये भारत की बहुत मदद करेगी। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।